हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी वीडियो है क्रोशिया ड्रेस डिज़ाइन पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए जो डिज़ाइन लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडिंग है, ताकि आप स्टाइल से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने का आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपको कलर स्कीम की अच्छे से समझ आ जाएगी कि ड्रेस डिज़ाइन में कौन कौन से कलर आजकल ज़्यादातर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कलर स्कीम के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि जो कलर्स हैं वो ज़्यादातर एक कलर सिंपल कलर चल रहे हैं, प्लेन कलर, कंट्रास्ट वगैरह ज़्यादा नहीं चल रहे। मल्टी कलर जो है उसका बिल्कुल भी फैशन अब नहीं रहा। एक सिंपल कलर ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। वैसे भी क्रोशिया में कलर्स के शेड बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल आते हैं, तो अगर आपने दो कलर मिलाने भी हैं तो दूसरा कलर जो है वो बहुत हल्का सा आप मिलाएं अंदर, और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जो है वो नहीं चलते। बहुत कम डिज़ाइन जो है वो चलते भी हैं, मतलब आपको मार्केट में दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सिंगल कलर, एक प्लेन कलर मिलेगा। कंट्रास्ट जो है वो कम मिलेंगे। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कंट्रास्टेस और प्लेन कलर की रेशो, प्लेन कलर ज़्यादा हैं, कंट्रास्टेस वगैरह कम हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, डिज़ाइनिंग की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह की चल रही है आजकल मार्केट में। फ्रेंड्स, जो डिज़ाइनिंग है वो एक यूनिक सी डिज़ाइनिंग आजकल चल रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत किस्म की डिज़ाइनिंग आजकल चल रही है। हमने तकरीबन सारे डिज़ाइन आपके लिए, जो स्टाइल्स जितने भी चल रहे हैं, वो सारे कवर करने की कोशिश की है। सबके कुछ कुछ डिज़ाइन हम आपके सामने इस वीडियो में लेकर आए, ताकि आपको आने वाले फैशन का पता लग सके और आप नए नए फैशन से जुड़े रहें। और बाकी फ्रेंड्स, जब आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिज़ाइन देख लेते हैं तो आपके माइंड में और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं उससे रिलेटेड। तो इसी तरह आप अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे क्रोशिया ड्रेस से रिलेटेड, और वो डिज़ाइन हो सकते हैं इन डिज़ाइन से भी ज़्यादा प्यारे हों और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन हों। तो अगर आप उनको फॉलो करें तो भी आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे। और आजकल बेल्ट का बहुत ज़्यादा फैशन है, आप अपने ड्रेस पे बेल्ट भी लगा सकते हैं, हुक के साथ भी, हुक के बगैर भी, जिस तरह आपका दिल करे। तो उसका बहुत ज़्यादा फैशन है, लटकती हुई बेल्ट नहीं, बस मतलब वो ऊपर ऊपर बेल्ट हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। वो पेट पे लगाई जाती है अक्सर, डिज़ाइन पे लगी हुई आपको नज़र आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, जो आप ड्रेस डिज़ाइन देख रहे हैं आप मार्केट में इजीली अप्रोच कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, मार्केट में इस तरह के ढेरों आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा क्रोशिया है, इसे आप ख़ुद भी बना सकते हैं, क्रोशिया डिज़ाइन को ख़ुद बनाया जा सकता है, और आपको बस इसकी टेक्निक आनी चाहिए, क्रोशिया वर्क आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो उसे आप सीख सकते हैं, उसको सीखना बहुत आसान है। एक बार आप अगर उसको सीख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप कोई भी चीज़ जो आपके माइंड में, आप उसे इजीली बना सकते हैं, क्योंकि क्रोशिया से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।